ये दुख भी हुआ कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 73 सरकारी स्कूल ठीक कराए। अब गुजरात की जनता के डर से, क्योंकि गुजरात की जनता अब स्कूल मांग रही है, आपका फार्मूला गुजरात के किसी काम का नहीं है। गुजरात की जनता चाहती है कि 5 साल में स्कूल ठीक हो, तो सरकार के 27 साल खत्म होने के मौके पर अब 73 स्कूल तो आपने ठीक कराए। इस रेट पे तो आपको 15,000 साल लगेंगे सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने में। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. रात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल जी ने आज एक बयान दिया है। आप सब जानते हैं गुजरात में चुनाव होने वाला है और वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हम सब जाते हैं तो गुजरात के लोग जगह जगह हमें स्कूल दिखाते हैं कि देखो कितने खराब स्कूल हैं और 27 साल में बीजेपी ने स्कूलों पे कोई काम नहीं किया। ये खुद गुजरात के लोग अब जगह जगह दिखा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं वहाँ गुजरात में स्कूल की और कहते हैं कि 5 साल में स्कूल बदल सकते हैं, इन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया, तो आज सी आर पाटिल साहब ने उसके जवाब में कहा है कि कुछ लोग बाहर से आके कह रहे हैं कि गुजरात में स्कूल नहीं बने, स्कूल नहीं बने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुजरात की सरकार ने सूरत में 73 प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड लगवा के ठीक किया है। पहले तो ये अच्छा लगा कि अब गुजरात की जनता के डर से, क्योंकि गुजरात की जनता अब स्कूल मांग रही है, तो सरकार के 27 साल खत्म होने के मौके पर अब 73 स्कूल तो आपने ठीक कराए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये दुख भी हुआ कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 73 सरकारी स्कूल ठीक कराए। मैं डेटा देख रहा था क्योंकि हमने हिसाब लगाया कि गुजरात में कितने दिन में स्कूल ठीक हो सकते हैं, तो मैंने तो गुजरात के कोने कोने में स्कूल देखे हैं, खराब पड़े हैं सारे, सड़े पड़े हैं स्कूल, पढ़ने के लिए फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स दुखी हैं कि कोई फैसिलिटी नहीं दे रही सरकार। लेकिन अगर आप 27 साल में 73 सरकारी स्कूल ठीक करते हैं तो गुजरात में 40,800 सरकारी स्कूल हैं। इस रेट पे तो आपको 15,000 साल लगेंगे सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने में। तो आप 15,000 साल की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये फार्मूला बहुत घटिया है कि 27 साल में हम 73 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। आपका फार्मूला गुजरात के किसी काम का नहीं है। गुजरात की जनता चाहती है कि 5 साल में स्कूल ठीक हों, ये हज़ारों साल इंतज़ार नहीं करना चाहती है गुजरात की जनता। इसलिए आज वो केजरीवाल जी के काम पे यकीन कर रही है, इस बात पे यकीन कर रही है कि अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूल ठीक करके दिखा सकते हैं 5 साल में, तो गुजरात के भी स्कूल आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल में ठीक कर सकती है और हो सकते हैं, 5 साल में ठीक हो सकते हैं। मैं बहुत जगह स्कूल देखने गया था, मैं चाह रहा था आपको भी कुछ स्कूल में दिखा दूँ गुजरात के स्कूलों की हालत क्या है। हालांकि जगह जगह मीडिया ने भी बहुत दिखाए हैं। ये डांग का स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इस तरह के स्कूलों की हालत है। ये छोटा उदयपुर का स्कूल है, इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। ये भरूच का स्कूल है, ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, यहाँ से ये पंचमहल का स्कूल है, ये कुकसावड़ा का स्कूल है जूनागढ़ का, ये भावनगर का स्कूल है। मैं खुद देखने गया था यहाँ, तो वहाँ पे बहुत बुरी हालत थी वहाँ स्कूल की। वहाँ ये शिक्षा मंत्री जी का स्कूल था, जो शिक्षा मंत्री जी की विधानसभा का, वहाँ के जो गुजरात के शिक्षा मंत्री हैं उनकी विधानसभा के स्कूलों की हालत है। सूरत के स्कूल में ये ऐसे पढ़ाई हो रही है। तो आज उन्होंने जो बयान दिया कि भाई 27 साल में हमने 73 स्कूल ठीक करके दिखाए, वो भी प्राइमरी स्कूल, तो ये तो अब गुजरात को स्वीकार नहीं है। गुजरात की जनता 5 साल में अपने स्कूल ठीक कराना चाहती है और हो सकते हैं ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया, गुजरात में भी करके दिखाएंगे। पाटिल साहब ने ये भी कहा है कि आप आइए, मैं आमंत्रण देता हूँ स्कूल देखने के लिए, तो मैं पाटिल साहब का आमंत्रण स्वीकार भी करता हूँ, ये अच्छी बात है। मैं पहले भी गया था देखने, आपने खुद भी देखा कि किस तरह के स्कूल वहाँ पे हैं, तो मैं उनके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। मैं पाटिल साहब से कहना चाहता हूँ कि आप बताएं कब आना है और शिक्षा मंत्री जी के इलाके से शुरू करेंगे, गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखेंगे
और उसके बाद फिर और भी स्कूल देखेंगे, कहाँ आपने ठीक कराएं, कहाँ जनता खराब बता रही है, हर तरह के स्कूल देखेंगे। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी दिल्ली आइएगा, हम भी आपको अपने स्कूल दिखाएंगे कि कैसे 5 साल में स्कूल बदलें, और आप भी दिखाइएगा कि कहाँ रह गए और कहाँ बदले हैं। अच्छी बात है कि स्कूल पर बहस हो रही है, स्कूल पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सी आर पाटिल साहब अपने आमंत्रण से पलटेंगे नहीं, और बहुत जल्द गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखने के लिए आमंत्रण की तारीख बताएंगे।